जब बात ड्राई फ्रूट्स की आती है दोस्तों, तो अखरोट विटामिन्स का राजा कहलाता है, यानी कि ड्राई फ्रूट्स का राजा कहलाता है अखरोट। अखरोट खाने में जितना टेस्टी होता है दोस्तों, उतना ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसे भिगोकर खाली पेट सुबह खाओगे और रोज़ाना इसका सेवन करोगे, तो इसके फ़ायदे कई गुना बढ़ जाते हैं हमारी सेहत के लिए दोस्तों। दोस्तों, अखरोट यानी कि वॉलनट सिर्फ ब्रेन हेल्थ या याददाश्त तेज़ करने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि आपकी ओवरऑल सेहत के लिए अखरोट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अखरोट में ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और क्यों इसे ड्राई फ्रूट्स का राजा कहलाया जाता है। दोस्तों, अखरोट में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से दोस्तों हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है अखरोट। और जब इसे भिगोकर खाते हैं तो ये अखरोट 21 गुना ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है हमारी सेहत के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि भीगे हुए अखरोट खाने से हमारे शरीर के लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी बीमारी से हम निजात पा सकते हैं अगर हम रोज़ाना भीगे हुए अखरोट का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, साथ ही साथ हिमाचल के हर्बल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारी से निजात पा सकते हैं हम भीगे हुए अखरोट खा के। तो दोस्तों, ब्लड शुगर और डायबिटीज़ से बचना चाहते हो तो रोज़ाना अपनी डाइट में सुबह खाली पेट भीगे हुए अखरोट खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है डायबिटीज़ में, हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, अखरोट जो होता है वो फाइबर से भरपूर होता है, जो कि आपकी पाचन प्रणाली को दुरुस्त रखता है और पेट सही रखने और कब्ज से बचने के लिए फाइबर युक्त चीज़ें हमें खानी चाहिए, जैसे कि दोस्तों आपको पता है। अगर आप ऐसे में भीगे हुए अखरोट का रोज़ाना सेवन करते हो तो उससे हमारा पेट भी सही रहेगा और कब्ज से भी निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अखरोट में ऐसे कई घटक और प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं जो हड्डियों और दांत को मजबूत बना के रखते हैं, और अखरोट में दोस्तों अल्फा लिनोनिक एसिड पाया जाता है जो कि हड्डियों को मजबूत करता है, और इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड सूजन को भी दूर करता है। दोस्तों अखरोट जो होता है आपकी हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है, और क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, और साथ ही हमारे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से भी निजात दिलाता है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे शरीर के गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा के बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है दोस्तों अखरोट। अखरोट में पॉलीफिनॉल इलेगेटिन्स पाए जाते हैं जो कई तरह के कैंसर से हमें सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों, या यूँ कहिए दोस्तों हमारे शरीर के अंदर कैंसर सेल्स को ये पनपने ही नहीं देता है भीगे अखरोट के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं उसकी वजह से। दोस्तों, गर्भावस्था में भीगा हुआ अखरोट खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अखरोट में पाए जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग में मदद करता है, उसके दिमाग को विकसित करता है भीगा हुआ अखरोट। दोस्तों, अखरोट में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अखरोट खाने से तनाव और स्ट्रेस कम हो जाता है दोस्तों, और अखरोट में मेलाटोनिन पाया जाता है जो आपकी बेहतर नींद लाने में मदद करता है दोस्तों। दोस्तों, अखरोट वजन कम करने में एक अहम भूमिका निभाता है और ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। भीगे हुए अखरोट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी होती है दोस्तों, जो कि आपके वजन को नियंत्रित में रखती है। अगर आप भीगा हुआ अखरोट खाओगे दोस्तों तो आपके वजन को वो कंट्रोल में रखेगा। दोस्तों, अगर आप खुद को बीमारी से बचाना चाहते हो और अपने शरीर को हेल्दी और फिट रखना चाहते हो तो अपनी डाइट में भीगे हुए अखरोट का सेवन करना आज से शामिल कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।